तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर हरियाणा नीट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने एंड HSTS बोर्ड ने अभी तक हरियाणा नीट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपके जो पड़ोसी राज्य है, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, UP और वेस्ट बंगाल, इनमें जो लीड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 के अंदर, तो फ्रेंड्स इन सारों का नोटिफिकेशन आ चुका है। इन सारों का जो गवर्नमेंट है, जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने सारे का नोटिफाई कर दिया है कि हरियाणा लीड का एग्ज़ाम कब होगा या हरियाणा लीड का एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हरियाणा का ऐसा बैड सिचुएशन है, ऐसा ख़राब स्थिति है कि इनके ना कोई सरकार, ना कोई टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर और ना कोई बच्चे फोर्स कर रहे हैं, ना कोई किसी का प्रेशर है। अभी तक हरियाणा लीड का कोई अपडेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि बहुत बुरा हाल है हरियाणा लीड का। तो जो भी बच्चे अभी हरियाणा लीड का प्रिपेयर कर रहे हैं या करने वाले हैं, या अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सोए पड़े हैं, जो कोविड के वजह से उनकी कॉलेज बंद है, उनकी कोचिंग बंद है, तो फ्रेंड्स सारे बच्चे घर पर अभी सोए हैं, किसी को भी टेंशन नहीं है। ऐसे ही डिप्लोमा का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इनको पता लगेगा कि लीड का ही पेपर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर लीड के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आप करना पड़ेगा आपको, कि आप HSTS को, अपने सरकार को क्या कुछ करें, किसके थ्रू करें और क्या कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ताकि आपका लीड का एक नोटिफिकेशन आ जाए, अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो कब होगा, अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो कब होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या कुछ करना पड़ेगा, मैं क्या कुछ बोलूँगा इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि हरियाणा लीड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में HSTS का, हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का सारा डिटेल दे रखा है मैंने, फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा लीड का यह फॉर्मेट है कि आपको जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, आप वो भी ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन में आपको हरियाणा सरकार का, टेक्निकल एजुकेशन का, जो अनिल भी सर उनका, और PM का, CM का, सारा का दे रखा है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या है आपको, इन्हीं फॉर्मेट में जैसे कि मैंने लिख रखा है, टू HSTS को मैंने टैग किसको किया है, टेक्निकल एजुकेशन को किया है, अनिल विज जो मिनिस्टर है उनको किया है, CMO हरियाणा को किया जो चीफ मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन है आपका, उनको मैं टैग किया हूँ। तो इन्हीं फॉर्मेट में सारे बच्चों को टैग करना है और लिखना है क्या कि जो लीड का एग्ज़ाम है उसको आप कैंसिल कर दो ड्यू टू कोरोना। अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो आप मुझे एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट बता दो कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा। अगर आप कैंसिल करना है तो आप एक नोटिफिकेशन दे दो कि हरियाणा लीड इस साल नहीं होगा, मेरिट बेस पर एग्ज़ामिनेशन एडमिशन होगा। और आपको एग्जामिनेशन लेना है तो आप एक डेट बता दो टेंटेटिव, कि ताकि हम लोग तैयार हो जाए, ताकि सारे बच्चे प्रिपेयर हो जाए कि हरियाणा लीड हरियाणा में होगा या नहीं होगा। तो आप स्क्रीन पर देख ले सकते हो अपना फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना है, ठीक है। और आपको कहाँ टैग करना है, पहले टैग करना है टेक हरियाणा को, अनिल बी सर को, CM को और हायर एजुकेशन को। और आपको इसी को ईमेल भी करना है, इसी टेक्स्ट को ईमेल भी इन्हीं सर को करना है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट करना फ्रेंड्स, मैं सारा कुछ दे रखा हूँ। और सारों को आप टैग करो, और सारों को मैं फ़ोन नंबर भी दे रखा हूँ, आप उनको फ़ोन करके पूछो कि सर हरियाणा लीड का फॉर्म कब होगा, एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि जब पंजाब ने नोटिफिकेशन दे दिया सराइट लीड का, MUD का पेपर होने वाला है, अब IPU का नोटिफिकेशन आ ही गया है अप्रॉक्स, अब JEE लीड का एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, मई में ही आया है, तो आप हरियाणा लीड का क्यों नहीं आया, जबकि पंजाब में भी कोरोना है, दिल्ली में भी कोरोना है, UP में भी कोरोना है, ये पड़ोसी राज्य सटा हुआ हरियाणा से, तो हरियाणा का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, उनसे सवाल पूछो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इतना करते हो, कम से कम 20-30-40 बच्चों को जोड़ो आप करो, तो आपका सोल्यूशन जल्द से जल्द आने का चांसेज है। नहीं तो आप सब बैठे रहो, फिर आपका सेमेस्टर मुझे लगता है जैसे पिछले साल चला था दिसंबर में, वैसे ही चलने वाला इस साल भी लग रहा है। जब तक आप लोग जागरूक हो, आप इनको टॉर्चर करो, मेल करो, ट्वीट करो, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में है। अगर बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें तैयारी, क्या कुछ पैटर्न है, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वो भी बच्चे जाकर वहाँ से आप चेकआउट करना कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, हरियाणा लीड का
कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या कुछ कितने मार्क्स का क्या कुछ आएगा, तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दो लिंक दिया हुआ, चेकआउट करना अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या कुछ तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। आप एक काम करो प्लीज़, इसको आप टाइप करना और किनको करना है, मेल, फ़ोन और ट्यूट मैंने आपको बता दिया, चार आदमियों को करना है, टेक हरियाणा, अनिल विज, CMO एंड हायर एजुकेशन, सारा का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप चेक करो और उनको फॉरवर्ड करो मैसेज, दोस्तों को भेजो। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर करो दोस्तों को, ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि दोस्तों भी आपको जागरूक हो इससे, नहीं तो आप सोए रह जाओगे, फिर आपका सेमेस्टर जनवरी फरवरी तक चलेगा, स्टार्ट ही होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं होता प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड इस वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम टाइम। सो थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।